सत श्री अकाल, नमस्ते। क्या हाल चाल फ्रेंड्स? और आपके लिए नया आर्टिकल क्लिक कर आया हूँ। 3-in-1 जैकेट फिर से हम लॉन्च कर चुके हैं, नई 3-in-1 है। तो इसका कुछ मैंने आर्टिकल पहले भी डाल चुका हूँ, अब एक नया आर्टिकल डाल चुका हूँ। फर्स्ट इसकी आप लुक देख सकते हो, ये आज मैंने खुद ही वेयर करके स्टार्ट कर रहा हूँ। कैप कैप डिटैचेबल है, कैप अलग हो जाएगी। कैप की लेंथ भी आप देख सकते हो, बहुत बड़ी है। ठीक है, पीस की लुक आप देख सकते हो, पूरी स्टिचिंग कुल्ट देख लो अपने। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, मटेरियल पूरी है। सामने वाइके की जिप, जितनी भी जिपें हैं सारी वाइके की जिप लगी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल डाउन तक है। उसके बाद ये अपना को दिखाते हैं, इसकी लुक अंदर से लुक कुछ इस तरह आप देख सकते हो। एक पीस इसके अंदर लगा हुआ है। अब इसको आप प्रॉपरली खोल के दिखाते हैं। इसके लिए मैं आपको यही रेफरेंस करूंगा कि नीचे कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपने पहना है तो बस ऊपर ऊपर ही पहने, जो पहना हुआ है नीचे गर्म इनर भी पहन लेंगे तो बहुत अच्छा है। अब इसको अंदर से हम अलग कर रहे हैं, इसको 6 लेयर हम बोल पाएंगे। 6 लेयर ये वर्किंग वाला पीस है, ये इसको अलग कर देते हैं, अलग करके पहनते हैं जी। जैसे अब जब पहनेंगे तो ये फर्स्ट ब्लैक। ठीक है, अभी इसकी भी आप लुक देख सकते हो। यहाँ पे एक स्टिकर लगेगा छोटा सा, ब्रांड का कोई भी लगा सकते हैं हम। देखिए हम कौन सा लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड इसको रिवर्स करके फिर से पहना जा सकता है। जो आर्मी लुक आपको देगा, जो आर्मी अपने सोल्जर हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाइट वेट में वर्किंग करने के लिए पीस आया है। ठीक है, इसकी क्वालिटी को आप देख सकते हो सामने से, पूरी स्टिचिंग मैच करके जितना हो सके हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। शोल्डर पे इंडियन फ्लैग है, चाहे आप लगा सकते हो चाहे हटा सकते हो। कई जगह पे नहीं अलाउड होता, आर्मी वाले भाइयों को बहुत दिक्कत आती है इस चीज़ से। सो मैं चाहूँगा, उनके ऊपर डिपेंड है, पर हम अपनी तरफ से लगा के आपको भेजेंगे। और अब रिव्यू करें हम इस पीस का, कुछ इसलिए पीस में भी आपको दिखाना बनता है जो हमने बारीकी इसमें यूज़ करी है। फर्स्ट ये डबल कुल्ट है, अंदर बाहर दोनों तरफ से कुल्ट है। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ इसकी गुल्ला है उसके ऊपर ऊपर एक बोन लगी हुई है कि उसका धागा ना निकले। बाजू में भी आप देख सकते हैं, पीस में बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करा हुआ है लेबर ने हमारी, ये देख सकते हो। पीस में पूरा बोन से वर्क करा हुआ है, हर जगह पे बोन लगी हुई है। बोन से ये बेनिफिट है कि एक तो इसकी सिलाई बहुत मजबूत हो जाती है, दूसरा इसमें से कोई थर्ड बाहर नहीं आता। ये यहाँ पे कफ है, कफ पे बोन है। ठीक है, बैक में जितने गुल्ले लगे, नीचे इलास्टिक लगा हुआ है, इलास्टिक ये लटके ना बाहर को, तो इसके यहाँ पे लटकन सा लगाया कि अंदर ही रहे, कि बाहर को ना लटके। ठीक है, अब इसकी कैप डिटैचेबल है, अब ये देख सकते हो कैप लगा हो सकती है दोनों में, इसमें भी लगे हुए हैं बट अब इसको ऐसे वियर करें तो बड़े आराम से, बहुत बड़ी कैप है, क्या को बड़े हंसके आ जाएगी। ठीक है, बाजू पे ये बटन हमारे डाई टू मैच, अब देख सकते हो बटन, बटन की क्वालिटी सेम उसके साथ मैचिंग करके लगाई है। 6.5 इंच का ये है, 6.75 इंच का, बड़े आराम से है कि बंदे के स्टार अपने बड़े इजीली आएंगे। जिप्पर को ढकने के लिए हमने जिप्पर गार्ड तक दिया हुआ है इसमें, ये जहाँ जैसे ये अंदर वाली जिप है इसको यहाँ पे आके ख़त्म होता है, तो ये जिप्पर गार्ड दिया हुआ है हमने। ठीक है, बैक में इसकी हुड अटैच करने के लिए, इसको अकेले मैं वेयर करके दिखाता हूँ। तो अल्फा ये चीज़ जो हम सिंगल वेयर करें तो बहुत अच्छा वेयरिंग होगा ये, जैसे कि हम दोनों इकट्ठे नहीं पहनते तो सिंगल वेयर करना है तब के लिए भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। सिर्फ बाहर वाली जिप लगा के पीस के आप लोग देख सकते हो। अब ये इसकी क्वालिटी है, बाकी आपने अपना, ये 40-50% वाटर प्रूफ है, ये मैं 70-80 नहीं कह सकता क्योंकि इसमें ये फैब्रिक कॉटन टाइप का फैब्रिक होता है, इसके अंदर पेपर लगा होता है जिससे पानी तो रुकता है पर जब बाहर से धाग बनने लग जाते हैं इसके ऊपर। बट ये है कि ये एकदम से जैसे ले में हम जाते हैं वहाँ पर जो कोहरा पड़ता है वो अंदर नहीं जाने देगा, काफ़ी हद तक आपको कवरिंग करेगा। बाकी इस पीस की बैक से लुक देख सकते हो, साइड में गुल्ला है आपने देख लिया होगा।
बाकी जो जो आपके ओपिनियन हैं आपने इस पीस के लिए रखने हैं और हमारे ब्रांड को आगे तक लेके जाना है, ठीक है, ये पीस आपके हाथ में ही है कि हम आगे कैसे बढ़ें। और इसको पीस को आज फिट भी करके दिखाता हूँ कि कैसे फिट किया जाता है। खोल तो दिया था मैंने, मैं फिट करके दिखा देता हूँ। देखो ये पीस उल्टा हमेशा होगा, अंदरली साइड बाहर को और बाहर की साइड अंदर को। इसका जो प्राइस बताया जाए तो आपको प्राइस पड़ेगा 3200 के करीब, ये पीस 3200 का ये पीस पड़ेगा आपको पूरा कंप्लीट सेट। तो 6 लेयर वर्किंग पीस है, 3200 प्लस शिपिंग चार्ज जो आपके लगते हैं उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। अब ये हम इसीलिए लगाते हैं, फिर जिपर गार्ड है, इससे क्या होगा जिप अपनी गार्ड होगी, ये कवर में आ गई तो इससे ये भद्दा नहीं लगता, ठीक है। जैसे ये जिप लगा देते हैं, ये आपका पीस कंप्लीट 40 साइज का तैयार हो गया। पीस का जो वजन रहेगा वो आपका 1.5 किलो के प्लस रहेगा, ये थोड़ा सा हैवी पीस बना है, 1.5 किलो के करीब इसका वेट रहेगा। तो पीस को इस लुक में आप देख सकते हो। जो बाकी आपके रिव्यू हैं, आपने कमेंट अपने डालने हैं कि कैसी लगी हमारी क्वालिटी, क्या इसमें आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये आपने रिव्यू देने हैं। सो आज के लिए नमस्ते एंड सत श्री अकाल।